में जो आजकल क्राइम हो रहे हैं उससे कैसे बचें, क्या प्रिकॉशंस रखें। मैं साइबर डीएसपी सीमा देवी। साइबर क्राइम जितने भी हो रहे हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो आप लालच में आ रहे हैं, दूसरा आपका डाटा चोरी हो रहा है। जो मेन हमारे पास जितनी भी शिकायतें आ रही है उसमें से ज़्यादातर संख्या उनकी है जो किसी लालच में पढ़कर ये काम कर रहे हैं कि आपका पैसा रातों रात दुगना होगा, आप शेयर मार्केट में ज़्यादा कमाएं, तो उसकी वजह से आपसे कुछ ऐप डाउनलोड करवाए जा रहे हैं या आपके पैसे को किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए जा रहे हैं, उसके चलते आपका ट्रांसफ़र हैक हो रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए दो चार चीज़ें हैं जो आप कहना चाहेंगे। सबसे पहले कि गूगल पे आप कोई भी नंबर सर्च ना करें, किसी भी सरकारी संस्थान का नंबर जानना है या किसी भी प्राइवेट संस्थान है किसी का भी नंबर करना है आप गूगल पे सर्च मत करिए। इवन टोल फ्री नंबर है वो भी आपके हैकर्स के हैं, इसलिए गूगल सर्च ना करें। दूसरा, व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई कॉल आती है तो उसको पहले नॉर्मल कॉल करके जांच लें कि क्या वो नंबर वैध है या नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आपके सिस्टम जनरेटेड हो जाती है। तो व्हाट्सएप कॉल पे आने वाली वीडियो कॉल को अटेंड ना करें, और अगर कोई कॉल नॉर्मल कॉल आ रही है, वॉइस कॉल आ रही है, तो उसको पहले नॉर्मल कॉल करके वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपका जो डेटा है वो शेयर ना हो किसी के साथ। तीसरी जो चीज़ आ रही है, किसी भी लिंक को डाउनलोड नहीं करना है। आपसे कई ऐप डाउनलोड करवाए जाते हैं, एनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या कई बार स्क्रीन पे कोई एक व्यू में साइन आता है कि www.xyz करके, आप जस्ट क्लिक दैट लिंक, तो आपको लिंक डाउनलोड नहीं करना है। एक जो मेन आ रहा है जो मेरे मोबाइल पे आया है 3-4 बार कि आपके जिस दिन सैलरीड जो पर्सन है या कोई आपकी मंथली रेगुलर जो आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है उसके टाइम एक तो मैसेज आएगा कि 73,000 समथिंग अमाउंट हैज बीन क्रेडिट इन योर अकाउंट एंड टू नो द बैलेंस जस्ट क्लिक इट। तो वो उसमें भी एक लिंक होता है, आपको वो लिंक नहीं करना है। एक स्पैम में डाल दीजिए उस सारी चीज़ों को, एंटीवायरस को एक डाउनलोड कर लीजिए ताकि ऐसे जो मैसेजेज आए वो पहले ही रिजेक्टेड हो जाए। और अगर नहीं हो तो ये बिल्कुल करके देख लीजिए। अगर आपको अपने बैंक का बैलेंस जानना है तो बैंक में अप्रोच करिए, अपने बैंक पे ही जाइए, इधर उधर कहीं क्लिक करके आप अपने अकाउंट को चेक ना करें। चौथी जो चीज़ आ रही है ऑनलाइन, कई बार क्या होता है हम जो नॉर्मली बच्चे कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे जो चैट चल रही है तो हम अपने डॉक्यूमेंट भी व्हाट्सएप से शेयर कर रहे हैं, उसमें आपका आधार है, पैन कार्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका ये। भाजपा जब जब सत्ता में आती है तब तब सत्ता में आने के बाद वो जेल और दमन के सहारे बिहार के गरीबों, दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन भाजपा को यह बात समझना चाहिए कि दलित पिछड़ों ने जो हुंकार भरी है बिहार से, वो हुंकार दबने वाला अब नहीं है, वो अब दबेगा नहीं। आप तमाम लोग जानते हैं कि भोजपुर के स्कूल आंदोलन के, सड़क पे स्कूल आंदोलन के चर्चित हमारे पार्टी के नेता आज्ञाओं से अभी पार्टी के विधायक हैं, 85,000 मत से चुनाव जीतकर जो बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं, और कॉमरेड मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को भाजपा के इशारे पर भाजपा के लोगों ने आजीवन कारावास की सजा सुनवाकर उनको जेल में भेजने का काम किया है। 23 पार्टी नेताओं को जेल भेजा गया है। जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पर फिर से बिहार में बनी है, आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी सिवान में दलितों के अनाज को जला दिया गया, फसल को जला दिया गया, और जब वहाँ पे हमारे पार्टी के नेता जब जांच करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ की सामंती ताकतें चारों तरफ से घेर कर गोलियाँ बरसाने का काम करती है। क्या करिएगा बिहार के अंदर में आप, इन तमाम सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ गया। आप तमाम लोग देख रहे हैं सत्ता पक्ष की जो विधायिका है बीमा भारती, उनके बेटे को जेल में डाल दिया गया। सत्ता पक्ष के विधायक है मिश्रीलाल यादव, उनके बेटे को जो है जेल में डाल दिया गया। कौन है ये तमाम लोग बिहार के अंदर में? क्या दलितों को, क्या पिछड़ों को, क्या पिछड़ों को बिहार के अंदर में क्या राजनीति वो नहीं करेंगे? क्या बिहार के अंदर में वो गरीबों की आवाज़ नहीं उठाएंगे? इन तमाम तरीके के लोगों को भाजपा नीतीश जी के सहारे इन तमाम लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है। लेकिन हम लोग यहीं पर रुकने वाले नहीं है, पार्टी यहाँ पर हमारी नहीं रुकेगी। हम लोगों ने वो दौर भी देखे हैं जिस दौर में रणवीर सेना के लोग कंधों पर छप्पन टांग कर और दलित पिछड़ों की हत्या करने के लिए खुलेआम घूम रहे थे। बात ही बताने टोला में दर्जनों गरीबों को कत्लेआम किया गया, लेकिन हम लोग लड़े, हम लोग वहाँ पर ठहरे नहीं। आज हम लोग बिहार के सरजमी से रणवीर सेना को ख़त्म कर दिए हुए हैं, बिहार के सामंती ताकतों को और भाजपा के लोगों को ये साफ कह देना चाहते हैं कि तुम्हारे दमन से तुम जो चाहते हो कि नीतीश जी के
अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।